नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलीट I20 के एक नए वर्जन के बारे में, जिसका वर्जन नेम है एन वर्जन ऑफ इलीट I20। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की गाड़ी के बारे में आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में इलीट I20 की बात करते हैं तो वो कम्पीट करती है मारुति सुजुकी की बैलेनो के साथ एंड होंडा जाज के साथ। तो इसकी अगर आप एन वर्जन की बात करते हैं तो वो आने वाली होगी 2020 में, और इसकी इलीट I20 की ये थर्ड जनरेशन कहलाएगी। अगर आप उसके डिज़ाइन के भी बारे में बात करते हैं, उसके डिज़ाइन में भी छोटे ट्विक्स जो हैं वो किए गए हैं, और एन वर्जन का मतलब क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में ही आगे चलते हुए बता देंगे। तो चलिए अभी इस गाड़ी के लुक्स के बारे में आप लोग के साथ बात करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स आप देख रहे हैं, ये हमने इंटरनेट से पाई है, आप इसे रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नए डिज़ाइन के साथ डायमंड का अलॉय व्हील्स जो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड इसकी जो ग्रिल है उसका पैटर्न जो है वो भी चेंज हो जाएगा, जो कि नई जनरेशन की जो गाड़ियाँ आ रही है ह्यूंडई की, वहाँ आपको ये ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके हेडलैम्प्स में भी थोड़े ट्विक किए गए हैं, इसके फॉग लैम्प्स में भी थोड़े ट्विक्स किए गए हैं। अगर आप इसकी रियर की भी बात करते हो, वहाँ भी काफ़ी चेंजेस कर दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी ये गाड़ी काफ़ी एग्रेसिव लग रही है। अगर आप रियर लुक की बात करते हो यहाँ पे, और हम ऐसा आशा कर रहे हैं कि इसके इंटीरियर में भी काफ़ी चेंजेस जो हैं वो किए जाएँ। अभी के अगर आप इलीट I20 की बात करें, वहाँ में आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो वो भी देखने को मिलते हैं, और आने वाले इलीट I20 में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो वो देखने को मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे इलीट I20 की एन वर्जन आने वाली है। एन ह्यूंडई की अगर आप गाड़ियों की एन वर्जन की बात करते हैं, तो ह्यूंडई अपनी एन वर्जन वाली गाड़ियों में आपको ज़्यादा आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करवाती है, मतलब गाड़ियों में ज़्यादा स्पोर्टीनेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब अगर आप इलीट I20 की एन वर्जन के बारे में बात करते हैं, तो वो रेगुलर वर्जन जो होती है, रेगुलर वाली जो इलीट I20 है, उससे ज़्यादा ये आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगी, एंड आपको रेगुलर वाली इलीट I20 से वहाँ पे आपको स्पीड जो है वो आपको ज़्यादा महसूस करने को मिलेगी। अगर आप इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, तो हालांकि इसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, फिर भी आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपको वेन्यू में जो मिलती है 1 लीटर वाली 3 सिलेंडर जो पेट्रोल इंजन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो वेन्यू में आप प्रोड्यूस करती है 118 VSP की पावर एंड 172 Nm की टॉर्क वहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है वेन्यू में। तो हो सकता है इस इंजन को थोड़ा ट्वीक करके इलीट I20 के हिसाब से बदल दिया जाए और इलीट I20 में हमें प्रोवाइड करवाया जाए, और आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे आपको नई 1.6 लीटर वाली पेट्रोल इंजन भी मिलने के संभावना जो है वो है। हालांकि इसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, फिर भी हम आपको अंदाजन जो इंजन आपको प्रोवाइड होने चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है 7 स्पीड की यहाँ पर आपको मिल सकती है गियरबॉक्स, जो कि ट्विन क्लास ऑटोमेटिक गियरबॉक्स होगी, और वहाँ पे आपको 6 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के भी ऑप्शंस मिलने के पूरे संभावना हैं। अगर आप इसकी इंटीरियर की भी बात करते हैं, तो उसे भी काफ़ी बदल देना चाहिए, वहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस जो हैं वो किए जाएंगे। अगर आप इलीट I20 के डीजल वर्जन की बात करते हैं, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत के नए नॉर्म्स के वजह से या फिर BS6 के नए नॉर्म्स के वजह से इंडिया में अगर आप छोटी गाड़ियों में डीजल इंजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो इसी वजह से अगर ह्यूंडई की इलीट I20 में कोई डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका कॉस्ट जो है वो रेगुलर वाली जो पेट्रोल इंजन यहाँ पे हमें मिलती है इलीट I20 में, उससे तकरीबन 1.5 या 2 लाख आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगी। तो इसी वजह से कोई बायर जो है वो नहीं चाहेगी कि सेम गाड़ी वो डीजल इंजन के लिए 1.5 या 2 लाख वहाँ पर ज़्यादा वो पे करे। तो इसी वजह से ह्यूंडई हो सकती है अपनी डीजल इंजन जो मार्केट में इंट्रोड्यूस ना करवाएं, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है VS6 के नॉर्म्स के हिसाब से। अगर आप मार्केट में भी देखते हैं, तो इलीट I20 के जो राइवल्स हैं वो भी आपको डीजल इंजन जो है प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो इसी वजह से हम ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई डीजल इंजन जो है वो प्रोवाइड होने के चांसेस बहुत कम है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया नई वर्जन के बारे में इलीट I20 के। अगर आप इसके वेरिएंट्स के बारे में बात करते हो, अभी इलीट I20 आपको जितने वेरिएंट्स में मिलते हैं, उसी वेरिएंट्स में यहाँ पे आपको एन वर्जन वाली इलीट I20 आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम हमारे चैनल पर ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।